Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid San and today we are going to discuss about Kruskar and Dijkstra algorithm. But before starting this lecture, I would give you a recap of our previous lecture, which was about the uh, and network model techniques and Prim's uh, algorithm. Okay, uh, last lecture me, basically, you the last two lectures लेक्चर नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है इन तीनों लेक्चर में वो ये है कि हमने इन तीनों लेक्चर में ग्राफ एंड नेटवर्क मॉडल को स्टडी किया है ग्राफ ग्राफ की टाइप्स ठीक है और फिर नेटवर्क मॉडल्स और नेटवर्क मॉडल जो टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस किया और फिर हमने उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक है मिनिमल स्पेनिंग ट्री उसको सॉल्व करने के लिए यानी कि एक नेटवर्क मॉडल को मिनिमल स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने तीन एल्गोरिथम डिस्कस करने प्रेम्स जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर का जो मेन फोकस पॉइंट है वो हमारे पास है डिजकेस्ट्रा एल्गोरिथम एंड क्रूस्कल एलगोरिथम फाइन अब हम ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में Uh, जैसे लेक्चर नंबर ट्वेंटी में हमने एंड किया था कि मिनिमल स्पेनिंग ट्री जो है एज ए टेक्निक है ऑफ नेटवर्क मॉडल की ठीक है उसके अलावा दो और टेक्निक है एक मैक्सिमल फ्लो टेक्निक है और एक शार्ट रूट टेक्निक है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके बाद जो था कि ये मैक्सिमल जो आपके पास फ्लो टेक्निक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पर्पज़ क्या है अगर आपको कोई गिवन नेटवर्क हो ठीक है किसी भी प्रॉब्लम के सिनेरियो को प्रेजेंट कर रहा हो तो आप लोगों ने उसमें से मैक्सिमम जो वो लेना है सोलूशन उसका है वो आप लोगों ने रिट्रीव करना है बिल्कुल उसके जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि अगर आप लोग वेस्ट टू ईस्ट आप लोग ट्रैफिक लोड मैयर करना चाहते हो उसकी कैपेसिटी डिजाइन करना चाहते हो कि ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो पास हो सकें इन आदर डायरेक्शन फाइन तो उसके लिए फिर हमने मैक्सिमम फ्लो टेक्निक को फॉलो करते हुए अब जो डिज़ाइन किया था कैपेसिटी डिज़ाइन की थी कि कितने नंबर ऑफ कार जो हैं वो पास हो सकेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो ये मैक्सिमम का प्रॉब्लम था उसकी तरह नहीं जैसे हमने एम एस टी में पढ़ा यानी मिनिमम ट्री में कि हमने उन तमाम एजेस को सिलेक्ट करने जो आपको कम से कम वैल्यू जो है वो आपको रिट्रीव करने में हेल्प करें इसके बाद फिर हमने शार्टस्ट जॉब शार्ट रूट टेक्निक को हमने फॉलो किया था अब इसका क्या फंक्शन है इसका फंक्शन ये था कि जैसे अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखें हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी कि एक कंपनी uh, है फैक्ट्री है और वो अपने प्रोडक्ट्स को यानी कि जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो शिफ्ट करना चाहती है वेयर हाउस में और वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए मैनी रूट्स अवेलेबल थे उस नेटवर्क में और उसको हमने नेटवर्क मॉडल में के तौर पे या ग्राफ के तौर पे प्रेजेंट किया था फिर हमने वहाँ पे जो टेक्निक अप्लाई की कि कौन सा डिस्टेंस बेस्ट रहेगा यानी कि जिसमें मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कौन सा पाथ होगा जो मिनिमम डिस्टेंस जो है प्रेजेंट करेगा तो हम फिर उसी पाथ को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसके अलावा जो हमने इन दोनों टेक्निक के अलावा एक पहले हमने एम एस टी पढ़ी हुई थी जो हमने लेक्चर नंबर ट्वेंटी में डिस्कस की थी फाइन उसके बाद हमने तीन एल्गोरिथम को स्टार्ट किया जिसका फंक्शन कामन था और वो कामन फंक्शन उनका क्या है कि आपके एक ग्राफ को या एक नेटवर्क मॉडल को एम एस टी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं फाइन अब जो पहले दो हैं प्रिम्स एंड क्रोसकर ये आपके पास ग्राफ के लिए कॉमनली यूज होते हैं एंड लिजगस्ट्रा जो है ये मोस्टली जो है आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जो है यूज़ किया जाता है बट फंक्शन इज कामन कि ये आपको एक ग्राफ को या नेटवर्क मॉडल को किस में कन्वर्ट करके वो करेंगे एम में मिनिमल स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट करके आपको देंगे ये तो इनका हो गया कॉमन फंक्शन अब नेक्स्ट हमारे पास है कि आज के लेक्चर में हमने जो है क्रुस्कल को ही डिस्कस करना है क्रस्कल एक्चुअली हमारे पास एक सेकंड टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं एक नेटवर्क को नेटवर्क मॉडल को या आपका ऐसा प्रॉब्लम जो आपने इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट किया हुआ है और आप लोग मिनिमम जो है उसका सोलूशन फाइंड करना चाहते हो तो फिर हम क्रस्कल को जो है प्रेफर कर देते हैं अब प्रेफर यानी कि लाजिम बात है प्रिम्स का भी यही ऑब्जेक्टिव है क्रिसकल का भी सेम पर्पज़ है लेकिन इनकी जो वर्किंग मेकनिज्म है वो अप, अपने अपने हैं यानी कि प्रेम्स अपने मेथड अपने मेकनिज्म को फॉलो करते हैं और क्रिसकल जो है वो अपने मेकनिज्म को जो है वो फॉलो कर रहा होता है अब मैकेनिज्म तो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्रिस्कल का एंड करेंगे यानी क्रिसकल मेथड का जब एंड होगा तो उस वक्त फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रिम्स और क्रोसल की जो वर्किंग मैकेनिज्म है इनमें डिफरेंस किस चीज का था मोस्टली ठीक है सबसे पहले हम ये लेते हैं कि हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करने हैं ड्यूरिंग जब आप लोग एक नेटवर्क मॉडल को या ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एम में यानी मिनिमम स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास है जो आप लोगों ने मोस्टली फॉलो करने है इसमें जो पहला स्टेप है जो आप लोगों ने फॉलो करने है वो आपके पास है सॉर्ट ऑल एजेस इन टू नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर लेकिन इससे भी पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये एक नेटवर्क है सिंपल ए बी सी ये टू थ्री एंड फोर दिस इज योर ग्राफ नेटवर्क फाइन पहला काम आप लोगों ने ये करने है के लिस्ट एजिस विद वेट विद वैल्यू वैल्यू के साथ उनको आप लोग लिस्ट कर दें कैसे आपके पास हेडिंग दे, दे दें ये एजेस और ये उनकी वैल्यू है यह वेट है आपका एज है ए बी इसकी वैल्यू टू ए सी थ्री और बी सी फोर अब ये तो हम जब लिस्ट कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली आर्डर में आ गए हैं लेकिन अगर आफ्टर लिस्टिंग अगर ये आर्डर में नहीं है देन यू हैव टू मेक देयर ऑर्डर और आर्डर कौन सा होगा असेंडिंग ऑर्डर आप लोग लोगे जैसे ये अब यहां पे हैं असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं तो पहला स्टेप क्रोस का क्या है कि गिवन नेटवर्क में से आप लोगों ने क्या करना है एजेस लेनी <coughs> गिवन नेटवर्क में से आप लोगों ने एजेस को लेने फिर आप लोगों ने एजेस को उनकी वैल्यू के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना होगा एसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर देने, है दिस इज द फंक्शन ऑफ योर स्टेप नंबर वन ओके उसके बाद है एड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट एच अब इसमें यह होगा कि आप स्टेप टू को फॉलो करने से पहले आप लोगों ने कोई एक एच यानी एक नोड पहले-पहले कंसीडर करना है। फर्स्ट नोड आप लोगों ने कंसीडर करना होगा और वो कौन सा होगा फॉर एग्जांपल लेट करते हैं हम लोग ए को कंसीडर करते हैं ठीक हो गया अब ए को हम कैसे कंसीडर करेंगे कि हम तो ये कह रहे हैं कि दिस इज स्टार्ट नोड। अगर हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं जैसे हमने प्रेम्स में किया तो फिर हम कैसे मैयर करेंगे कि इनमें से मिनिमम कौन सा है हो सकता है कि अगर हम स्टार्ट अगर बी लें तो ये तो फिर हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि सी के साथ कोई ऐसा एज नहीं है जो इसकी वैल्यू टू हो तो अब देखें पहला डिफरेंस कि प्रिम्स में हमने पहले पहले हम नोट को सिलेक्ट कर लेते थे क्रिसकल में हम पहले नोट को सिलेक्ट नहीं करते तो हम किस चीज को सिलेक्ट करेंगे हम इसी लिस्ट में से सबसे पहला एज ले लेंगे और इस केस में जो पहला एज आ रहा है वो आप लोगों के पास है ए बी इट मीनस आप लोग जो है दो नोड आप लोगों ने कंसीडर कर लिए एक ए और एक बी और इनको एज टू से कनेक्ट कर दिया फाइन उसके बाद <coughs> आपके पास यहां पे स्टेप नंबर टू है आपने एड नेक्स्ट स्मालेस्ट वेट एज टू द फॉरेस्ट यानी कि जो आप ट्री बन रही है एम एस टी बन रही है इफ इट विल नॉट ए साइकिल अब जैसे आप लोग नेक्स्ट कौन सा बन रहा है यहाँ पे ए सी इक्वल टू थ्री एच ए सी की जो वैल्यू है वो आपके पास थ्री है थ्री बन रही है तो अब क्या होगा हमारे पास कि आप लोगों ने ए सी को यहाँ पे ले लेना है ये हो गया थ्री और ये हो गया सी ठीक हो गया अब इसके बाद ए की एज हमारे पास रह गई है वो है बी सी फोर और हमारे पास ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि इट विल नॉट ए साइकिल अगर आपने उसी एज को कंसीडर करना होगा जो साइकिल जनरेट नहीं कर रही होगी फाइन अगर मैं इधर इस एज को ले लेता हूँ इट विल बिकम साइकिल और साइकिल हम जो है यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे ठीक है then it will become graph again. हमने तो क्या करना है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एम एस टी हमने क्रिएट करनी है इसी सूडो कोड या एल्गोरिथम के थ्रू अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा स्टेप थ्री में आप लोग देखें दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू कि आपके पास तमाम जो है नोड विज़िट हो जाएं और प्लस आपके पास अगर रह जाती है मैक्सिमम वैल्यू वाली देन लीव इट आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो एम का ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि एम क्या होती है कि आपको मिनिमम वैल्यू तो प्रेजेंट करती है एक नेटवर्क की लेकिन तमाम नोड का विजिट भी किया हुआ होता है यानी कि तमाम नोट ये नहीं है कि आप किसी नोड को आप अलहद छोड़ देंगे और वो विजिट ना हो तो फिर आपके जो एम एस टी का ऑब्जेक्टिव है वह वो अचीव नहीं हो सकता तो यहाँ पे भी अब आपके पास क्रस्कर एल्गोरिथम का भी यही होना चाहिए कि आपके पास क्योंकि इन क्रुस्कर का मेन फंक्शन क्या है इन्होंने एम एस टी को डिजाइन करना है एम एस टी हमने बनानी है इसके थ्रू तो अब जब एम एस टी भी हमने बनानी है तो एम, आप कोई भी नोट जो है इसको आप लीव नहीं कर सकते एजेस छोड़ सकते हैं अगर मैक्सिमम वैल्यू की है वो अब हम एंड पे पढ़ेंगे जब एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे जिसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो कौन से सिनेरियो होते हैं जिसमें हम एजेस को लीव करते हैं छोड़ देते होते हैं काउंट नहीं करते फाइन ओके नेक्स्ट इज वी आर कंसीडरिंग सेम एग्जांपल एज वी हैव कंसीडर इन अवर प्रीवियस लेक्चर स ऑफ प्रिम्स एलगुरिथम प्रिम्स एलगुरिथम में भी हमने यही एग्जाम्पल ली थी और यहां पर फिर हम उसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं कि फाइव सिटीज में एक केबल कंपनी है वो अपना नेटवर्क बनाना चाहती है अमंग फाइव सिटीज ठीक है तो उन्होंने क्या करना है कि ऐसे ऐसे मेथड से नेटवर्क वो करें लाइन उन्होंने सारी ड्रा कर दी है जो आपको यहाँ पे नेटवर्क पे नजर आ रहे हैं लेकिन इनमें से कौन सी सिलेक्ट होगी इट डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू फाइन अब कैसे होगा देखें पहले सबसे पहला काम कि आप लोग मुकम्मल सिटी नेम लिखने की बजाय आप क्या करें उनके फर्स्ट लेटर लिख दें उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है जैसे ए जो है अब ए किस को प्रेजेंट कर रहे हैं देख लें आप लोग ए एवन को प्रेजेंट कर रहे है और बी ब्रिनलेफ को वो कर रहा है और कॉर्नवेल को सी वो कर रहा है प्रेजेंट तो इस तरह आप लोग जो है ए बी सी आप लोग जो है इनको लेबल दे देंगे नोट्स को फाइन तो अगर आपके पहले से लेबल है नेटवर्क देर इज नो नीड टू गिव देम लेबल या री लेबलिंग की आपको जरूरत नहीं है अगर इसी तरह के शार्ट लेबल पहले से दिए हुए हैं नेटवर्क को या ग्राफ को देन इट्स ओके और अगर आप लोगों के पास एक बड़े नेम है जैसे अभी आप लोगों ने देखा इसे पिछली स्लाइड में कि सिटी नेम पर्सन uh, नेम भी हो सकते हैं कंट्री नेम भी हो सकते हैं कोई भी हो जंक्शन पॉइंट नेम हो सकते हैं जो भी हो, तो अगर वो उनके नेम बहुत लेंथी हैं देन यूज एब्रीविएशन इन सच वे यानी कि आप लोग ए बी सी वगैरह जो है आप लोग यूज करोगे फाइन ओके okay. अब यही एग्जाम्पल ली और हमारा पहला स्टेप क्या था क्रोस्कल एल्गोरिथम का कि आप लोगों ने मेक ए लिस्ट ऑफ एजेस विद इट्स वैल्यूज और जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये देखें आप लोग ये एजेस है। और ये वैल्यूज है, है अब क्या होगा ये तो आपको ऑर्डर में नजर आ रहे हैं ये देखें ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है फाइन यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है कि आप स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हो ठीक है अब ये आपका सेकंड स्टेप है कि आप लोगों ने उसको सॉल्ट कर देने है अब जो आप लोगों की एम बनेगी यानी कि आप मिनिमम स्पेनिंग फॉरेस्ट बनाना चाहेंगे ट्री बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों ने आपने यहां से एज लेना है पहला पहला की तरह नहीं कि आपने एक नोड को जो है क्या कंसीडर स्टार्ट में कंसीडर कर लेने कि दिस वन इज योर स्टार्ट नोड एंड देन मेक फर्दर प्रोसेस फाइन इधर आप लोगों ने एज को कंसीडर करना होगा कौन सी एज को आप लोग कंसीडर करोगे जो उस लिस्ट में आर्डर में टॉप पे पड़ी होगी ओके okay. अब हमने ले लिया के ई डी ये देख लें स्लेक्ट द शॉर्टेस्ट एज इन द नेटवर्क ठीक है नेटवर्क में शॉर्टेज एज जो आपके पास बनती है वो ईडी है और ये यहां पे भी देख लें यहां पे देख लें ठीक है ये ईडी यहां पे आ गया फाइन इसके बाद अब नेक्स्ट जो एज का नंबर बन रहा है वो आपके पास है ए बी यानी ए बी थ्री अब आप लोग देखें नेक्स्ट जो आ रहा है ए बी अब यहीं पे आप देखें कि जब आप ए बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये आपका पाथ को क्लोज तो नहीं कर रहा या लूप तो जनरेट नहीं कर रहा ये एज अगर ये कर रहा है लीव इट, अगर नहीं कर रहा तो फिर आप लोग इस एज को जो है एडोप्ट कर लोगे फाइन ओके ए बी सिलेक्ट हो गया अब ये आपको यहां पे नजर आ रहा है ग्रीन कलर में तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ये एज जो है इट हैज बिकम पार्ट ऑफ यूर मिनिमल स्पेनिंग फॉरेस्ट ये उसका पार्ट बनता जा रहा है और रेड का मतलब है ये ये आपका ये करंट अभी है यानी कि लास्ट एज जो आप लोगों का है ये उसको प्रेजेंट कर रहा है रेड कलर में फाइन हो गया ओके तो अब हमारे पास ये दो एज जो हैं, वो कंसीडर हो चुके हैं नेक्स्ट नंबर इज ऑफ वैल्यू ऑफ फोर एंड यू है अब हमने ये देखना है कि इनमें से किस एज को प्रेफर करें और किस को ना करें तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों एजेस को यूज करना पड़ेगा सिर्फ एक ही केस हो सकता है कि आप एज को जो है रिजेक्ट कर दें और वो भी कब जब आप लोगों के पास क्लोज पाथ बन जाए तो पहले आप लोग देखें हमारे पास दो ऑप्शन है या हम ए -E लेंगे या सी डी लेंगे तो इट्स योर चॉइस आप इनमें से जो भी लो लेना आप लोगों ने दोनों को है लेकिन सिर्फ एक ही केस में रिजेक्ट करना है जब ये क्लोज पाथ बना रहे हो तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम ले रहे हैं सी डी तो ये सी डी जो है ये देखें ये रेड कलर में आ गया ये सी डी हमने सेलेक्ट कर लिया सी डी इक्वल टू फोर अब हम ये देखेंगे कि वेदर वी शुड टेक एच ए आर नॉट ठीक है एज हमें कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अब वो मैंने आपको फिर बताया था पहले कि हमें सिर्फ एज उस वक्त हम नहीं लेते जब ये क्लोज पाथ बन रहा हो और दूसरी एक रीजन है वो एट द एंड ऑफ एग्जांपल बताऊंगा कि कम, कब हम एज को जो है वो रिजेक्ट कर लेते हैं लीव कर देते हैं ठीक है अब आपका नेक्स्ट एज जो होगा वो होगा ए, ए और जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये यह यहाँ पे ये यह हो गया ठीक हो गया अभी भी कोई क्लोज पाथ नहीं बना कंटिन्यू है प्रोसेस ठीक है अब इसके बाद नंबर आ रहा है फाइव वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर में अब नेक्स्ट वैल्यू फोर के बाद जो वैल्यू आ रही थी वेट आ रहा था वो है फाइव फाइव के साथ भी दो एजेस हैं कौन कौन से एज इसमें कैंडिडेट हैं एक BC और एक EF अब अगर मैं लेता हूं BC यहां पे आप लोग देख लें ये चीज अगर मैं लेता हूं BC व्हाट हैपन एक क्लोज पाथ बन जाएगा यानी कि आपका फिर एक नेटवर्क वो बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे इस एज को जो है रिजेक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे या आप लोग जो है इसको लीव कर दोगे इसको आप लोग एम एस टी का जो है पार्ट नहीं बनाओगे आप लोग बी सी को जो है वो एक साइकिल फॉर्म कर रहा था इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अब नेक्स्ट जो कंसीडर किया जा रहा है वो हमारे पास है ई एफ फाइव वैल्यू के लिए अब एक ही हमारे पास एज रह गया है और वो कौन सा है ई एफ है ई एफ आप लोग ये रेड लाइन में आपको नजर आ रहा है तो ये भी हमने मार्क कर दिया अब हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास तमाम नोड विजिट हो चुके हैं या नहीं अगर तमाम नोड विजिट हो चुके हैं देन इट विल बी द एंड ऑफ योर प्रोसेस और कौन सा प्रोसेस है आप क्रिस्कल एल्गोरिथम फॉर्म कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो उसका एंड हो जाएगा क्योंकि मिनिमल स्पेनिंग ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आप लोगों ने तमाम नोड्स का विजिट करना है विद किसके मिनिमम वैल्यू की एजेस को लेते हुए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो यहां पे भी हमारा वही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमने क्रिसकल में कि हमने एज तो मिनिमम वैल्यू वाली ले ली असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे थे तो जो टॉप पे होती हैं वो मिनिमम वैल्यू वाली होती हैं लेकिन अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया है और वो ये है कि तमाम नोड विजिट भी हो चुके हैं और अब आपके आपके बाद दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं कि तमाम नोट भी विजिट हो चुके हैं और आपने स्मॉल वैल्यू की एजेस भी ले लिए तो इट मींस इट विल बी एंड ऑफ योर क्रिस्कल एल्गोरिथम या प्रोसेस है, है उसका जो मैकेनिज्म है उसका एंड हो गया अब जो जो एज आप लोगों ने यूज की जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये टू ये ए बी थ्री सी डी फोर ए फोर इन तमाम की वैल्यूज को एड करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 18, ठीक हो गया अब यहां पे जो हमने अभी प्रोसेस सीखा और इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रेम्स में सीखा था अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है यहां पे तो हम एज की बेस पे मिनिमम स्पेनिंग मिनिमम स्पेनिंग फॉरेस्ट बनाते रहते हैं फाइन और उसमें क्या करते थे हम एक नोड ले लेते ले थे, थे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया रेड करते हैं ए ले ली अब हमने देखने है कि ए के साथ कनेक्टेड कौन कौन सा नोड है तो जिसकी वैल्यू कम होती है हम उसको कनेक्ट कर लेते थे तो था था तो तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता था में में एक दोनों के मैकेनिज्म डिफरेंस है दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है बट मैकेनिज्म मैकेजम है वो डिफरेंट है प्रिम्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अभी हमने क्रिस्कल को हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? ये एक एग्जांपल हो गई अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखें ये एक आपके पास ग्राफ है नेटवर्क है अब आप लोगों ने इनके एजेस को लेबल कर दें वन टू थ्री सिक्स फोर सिक्स टू सिक्स वन फोर लेकिन ये जो हमने लेबल लिखा है ये एजेस को हमने ऑर्डर में लिखा है किसके मुताबिक आर्डर दिया है इसकी कास्ट के मुताबिक यहां इस ग्राफ में जो फैक्टर यूज किया जा रहा है वो डिस्टेंस की बजाय हम किस चीज को वो कह रहे हैं कास्ट को फाइन के आप नो नोट वन से टू की तरफ जाएंगे तो कास्ट टेन है यानी कि नोट वन टू टू पे जाने पे कास्ट टेन है टू से थ्री पे जाने पे जो कास्ट आ रही है वो हमारे पास क्या है वो है फिफ्टी तो ये प्रोसेस इसका रहेगा ठीक हो गया अब आप लोग देखें कि हमने इन वैल्यू को अरेंज भी किया ऑर्डर में लाए और इसके साथ साथ इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो थी एजेस थे कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी लाजमी बात है उन्होंने भी आर्डर में ही आपको आप, आप, आप लोगों को मिलेगा उसका भी अब प्रोसेस कैसे है स्पेनिंग जो ट्री है ये स्पेनिंग फॉरेस्ट है वो कैसे बनेगा ये आपका पहला स्टेप है यानी कि स्टार्ट में आप लोगों के पास सारे नोट्स हैं ये देख लें आप लोग ये सारे नोट्स हैं अब आपका जो पहला एज रहा है वो है वन कामा टू का टू पहला एज आ रहा है तो आप लोग दो नोट को कंबाइन कर दोगे जैसे ये किया गया है आप लोग इसको नोट कर सकते हैं दिस थिंग एंड टू को हमने मिला दिया उसके बाद आ रहा है थ्री एंड सिक्स को मिला दे तो थ्री यहां पे सिक्स यहां पे तो हम इनको इकट्ठा करके थ्री एंड सिक्स को मिला दिया तो जो जो एज यूज होती जा रही है वो आपका एक स्मॉल ट्री बनता जा रहा है स्मॉल फॉरेस्ट बनता जा रहा है लेकिन होगा कौन सा स्पेनिंग का मिनिमम स्पेनिंग ट्री का होगा ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट एज जब लेंगे जो हम यहाँ पे ये यह ले रहे हैं फोर कामा सिक्स तो अब आप लोग देखें ये यह फोर यहां पे पड़ा है इसको इसके साथ कंबाइन कर दें तो थ्री फोर एंड सिक्स का कंबिनेशन हो गया फाइन अच्छा इसके बाद जो है नेक्स्ट एज हमारे पास आ रहा है टू कामा सिक्स अब आपने क्या करना है इस टू को इस सिक्स के साथ जो है कंबाइन कर देना है मर्च कर देना है तो अब क्या होगा इसको एक, एक दरमियान एज आ गया जो कौन सा एज है हमारे पास जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है ट्वेंटी फाइव अब इसके बाद जो है आपके पास एज आ रहा है वन कामा फोर तो आप लोगों ने क्या करना है वन कामा फोर अब इसको जब आप मिलाएंगे ऐसे वन कामा फोर तो इट विल बिकम क्लोज पाथ ये क्लोज पाथ बन जाएगा और क्लोज पाथ जो है वो एम एस टी के ऑब्जेक्टिव में नहीं आता वो इसको आपने इग्नोर करना है यानी कि उस तरह ऑब्जेक्टिव नहीं कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो है आपको मिनिमम सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और प्लस आपके तमाम नोड का विजिट करती है और प्लस उसका आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली जो है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है एम के ऊपर के आपके पास जो होगा क्लोज पाथ नहीं बनेगा अगर क्लोज पाथ बनेगा देन इट विल बी ग्राफ और जो है आपका नेटवर्क मॉडल तो वही रहेगा ठीक हो गया तो इसलिए आपके पास ये जो है ये रिजेक्ट हो गया फाइन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एच आर है थ्री कामा फाइव थ्री कामा फाइव की जो वैल्यू आप लोगों के पास है वो है थर्टी फाइव ठीक हो गया तो आप लोगों ने थ्री कामा फाइव अब यहां पे कनेक्ट कर लें तो ये आपके पास बन गया फाइनली एम एस टी मिनिमल स्पेनिंग ट्री फॉरेस्ट बन गया अब अगर हम इनके ऊपर वेट करें यानी इनका क्या क्या वेट यूज हुए हैं तो आप देखें आप लोगों के पास एक ये यूज हुआ टेन एक आप लोगों ने फिफ्टीन को यूज किया एक आप लोगों ने 20 को यूज किया एक आप लोगों ने 25 को यूज किया और एक आप लोगों ने 35 को यूज किया और अगर आप लोग इनको ऐड करेंगे तो ये आप लोगों के पास हो जाएंगे नियरली 105। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल में जो हमने क्रोसकल एल्गोरिथम के थ्रू अप्लाई किए एम एस टी इसके थ्रू डिजाइन किया है तो इसकी मिनिमम जो कास्ट आई है वो है वन जीरो फाइव आप इन तमाम वैल्यूज को एड करेंगे तो आपको वन जीरो फाइव का जो रिजल्ट है वो अचीव हो जाएगा ओके okay. अब हम ये देखते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम क्रोस्कल को स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो कौन से सिनेरियो हैं पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रिम्स और क्रुस्कल में सिमिलैरिटी क्या है दोनों सेम ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है दोनों में हमने क्या करना होगा एमएसटी को डिजाइन करना होगा सेकेंड आप क्रिस्कल और प्रिम ऐसे मेथड से अप्लाई करेंगे कि आपके नेटवर्क के या ग्राफ के तमाम नोट का विजिट होना लाजमी है यानी तमाम नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एम एस टी फाइनल ठीक है इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या होगा क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए ठीक है अब आप लोगों के पास है कि कि आप लोग कैसे चेक करोगे कौन सी एज जो है वो आपका क्लोज पाथ बना रही है या लूप बना रही है या साइकिल बना रही है ठीक है हम तो ये कह देते हैं कि साइकिल बन गया और वो ग्राफ के अंदर आ गया तो हम कहते हैं कि इसको छोड़ दें ठीक हो गया अब हमारे पास है कि जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी एज जो है वो इस नेटवर्क का यानी कि मैंने एम का पार्ट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए एक तो वो जो आपके पास क्लोज पाथ बना रही है उसको रिजेक्ट कर दें फाइन उसको एमएसटी का पार्ट ना बनाए एम एस फॉरेस्ट का पार्ट ना बनाए और दूसरा आप आप चूंकि एसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं पहले वो एज लेते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है फिर उससे ज्यादा वाली वैलि वैल्यू फिर, फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू रखते हैं तो ऐसे केस में फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग किसी एक आपके पास टोटल टेन एजेस हैं और अभी आप सेवन पे पहुंचे हो तो आपके तमाम नोड विजिट हो चुके हैं तो आपके जो एज नंबर एट नाइन टेन होंगे जिनकी वैल्यू लाजमी बात है अदर एजेस के ज्यादा ही होगी आप उसको इग्नोर कर दोगे उनकी कोई जरूरत नहीं हमें यूज करने की क्योंकि हमें रिक्वायर्ड एम एस जो है वो डिराइव्ड हो चुका होता है तो ये दो सिचुएशन है नंबर वन जब वो क्लोज पाथ बना रहा है एच आप उसको इग्नोर कर दो सेकंड आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपको तमाम नोड विजिट हो जाएं किसी एज को लेने के बाद तो फिर आपके बाकी एज जो है वो यूजलेस हैं आप उनको इग्नोर कर दोगे ठीक हो गया ये दो आपके रीजन है अब आपके पास है ए ट्री इन इन द फॉर टू रिप्रेजेंट ए सेट यानी है कि आपके का कंबिनेशन वो शो कर रही होती है तो उसको हम क्या, किस हमसे वो करते हैं कि वो सेट बना रहे अब अगर आपके पास इफ यू मेंबर ऑफ एज है कोई हम एज एज ले ले लेते हैं उसमें एज किस तरह ले रहे हैं कि यू एंड वी आर इन द सेम सेट यानी कि Uh, आपके पास उस ट्री में इंक्लूड है यानी कि जो फॉरेस्ट बना रहे हैं देन एडिशन ऑफ द यू विल फॉर्म ए साइकिल अगर वो पहले से उस फॉरेस्ट में पड़ी हुई है तो फिर इसका मतलब है कि लिंक तो बनेगा ही ठीक है मतलब ए बी हमने पहले लिया हुआ है और दोबारा हम ए बी लेना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक साइकिल जो है जनरेट कर देगा या इस तरह हो सकता है कि अगर आप लोग ए और बी ले चुके हैं हो सकता है कि बी किसी और नोट के साथ कनेक्टेड भी हो अब आप लोगों के पास चॉइस है कि पहले आप ए सी लें फिर आपके पास लिखा हुआ है कि ए बी लें अब अगर ए सी पहले ले लेते हैं तो फिर आपके पास ए बी रिजेक्ट हो जाएगा और अगर आप लोग ए बी पहले ले लेते हैं तो ए सी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है अगर ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है अगर ए सी की वैल्यू कम है तो वो पहले आ जाएगा अगर ए बी की वैल्यू कम है तो वो ट्रैवर्सिंग के वक्त पहले आ जाएगा आपने क्या करना है इफ यू एंड वी मेंबर ऑफ तो यू जो है वो आपके पास एक स्पेस और दूसरा वी जो है वो दूसरे इसका होना चाहिए तो देन यू विल अप्लाई द यूनियन ऑफ बोथ ठीक है बस अब जैसे ए और सी को हमने कनेक्ट किया तो ये आपके पास हो गया था एस टू और ये था एस वन और हमने एक नोड यू यहां से ले लिया और वी जो है यहां से ले लिया देन इट्स ओके आप उनको कंबाइन कर दें आपका क्लोज पाथ जो है वो नहीं बनेगा तो अब इस सिनेरियो को मैं एक डायग्राम से प्रेजेंट करता हूं आपको आप लोग देखें सबसे पहले देखें आप लोग अगर आप लोगों के पास इस तरह ये मिनिमल स्पेनिंग ट्री बनी हुई है B और C कनेक्टेड है ये आपके नेटवर्क का एक S1 हो गया और ये हो गया S2। टू ठीक हो गया। अगर आप लोगों का कोई एज ऐसा है जिसके u एंड v वो दोनों इसी के मेंबर हो एक ही आपके सेट के साइकिल के चांस जो है वो ज्यादा है ठीक हो गया वो आपका साइकिल ही बनेगा अगर दोनों एक ही सेट के मेंबर हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों सेट डिफरेंट हैं, मसलन अब जैसे u और v सेम था अगर u हो आपके s2 का V कर दें और U जो है S1 का कर दें और इनको कनेक्ट करें तो फिर आप लोगों के पास कोई भी साइकिल नहीं बन सकता तो साइकिल कब बनेगा जब आपके पास दोनों एक एज ऐसी सिलेक्ट कर रहे हो जिसके दोनों नोड ऑलरेडी एम एस टी के किसी एक सेट में पहले से पड़े हुए हों ठीक हो गया अगर वो दोनों एक ही सेट में नहीं पड़े हुए डिफरेंट सेट में पड़े हुए हैं Then, आप इजीली उनका यूनियन कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया है अगर मैं ए और सी को कंबाइन करूं मसन अगर हमारे पास एच है लेट कहते हैं एच है बी सी ठीक हो गया तो ये आपके पास साइकिल बनाएगी क्यों साइकिल बना रही है बिकॉज बी एंड सी आर इन एस वन दोनों एस वन में है ठीक है लेकिन अगर आपके पास बी जो है आप जैसे हम ए ये बनाना चाहें ए एंड सी एज यूज करना चाहते हैं अब ए जो है इन S2 है और आपके पास जो सी है वो इन S1 है ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है तो आप लोग इनको इजीली यूनियन कर सकते हो यानी ए और सी को जो है कनेक्ट कर सकते हो तो फिर आपका साइकिल नहीं आएगा तो साइकिल को आप कब चेक करोगे कि अगर आपके दो नोड यानी एक एज के थ्रू जो दो नोड यूज हो रहे हैं दे बिलोंग टू सेम फॉरेस्ट या सेम सेट देन साइकिल विल बी अकर और अगर ये डिफरेंट सेट से हैं या फॉरेस्ट से है देन आपके पास इजीली यूनियन ऑपरेशन करके आप लोग यूनियन ऑपरेटर अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हो दोनों को कनेक्ट कर सकते हो तो ये आप लोगों के पास जो है मिनिमम स्पेनिंग ट्री जब हम बनाते हैं क्रुस्कल के थ्रू तो, तो उसकी डिटेल है कि आप लोग कैसे वर्क करोगे ओके नो वर्ट्स अबाउट टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे पास क्रुस्कल का जो डिपेंड है वो किस पे है क्रुस्कल का जो डिपेंड है वो मोस्टली नंबर ऑफ एजेस पे है ठीक हो गया अब आप लोगों ने क्या करना होता है एक तो आपने तमाम एजेस का विजिट करना है जब हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाते हैं तो हमारे पास कितने कंपैरिजन कितने उसके आ जाती है यानी उसकी टाइम कितना एग्जीक्यूशन हो जाएगी जितने एजेस होंगे मतलब अगर ग्राफ में पंद्रह एज हैं तो आपको पंद्रह की लिस्ट बनानी पड़ेगी तो आप लोग ये पहला पार्ट देख लें ये वही है कि आप लोगों ने तमाम एजेस का जो है वो विजिट करना है तमाम एजेस का और उनको लिस्ट लिस्ट बना के फिर उनको सॉर्ट करना है वैल्यू के मुताबिक तो ये कंबाइन वर्क है कि आप एजेस लो और उसको ऐसे एजेस लो कि आप उनको साल्ट भी करते जाओ तो उसकी कंप्लेक्सिटी आपके पास जो है एब्सोल्यूट ऑफ ई हो जाएगी अब आ जाते हैं कि लॉग ई e क्या शो करेगा लॉग ई e जो है जब आप एज लेते हो और उसको एम एस टी का पार्ट बना लेते हो जरूरी तो नहीं है कि आप अगर 15 एज हैं तो आप सारे के सारे आप लेने पड़ेंगे अगर सारे के सारे लेंगे देन आपका फिर तो वही ग्राफ बन जाएगा वही मॉडल बन जाएगा अब हम उसमें से या तो हाफ लेंगे या हाफ से कम लेंगे या आपके पास जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई अगर टेन एजेस हैं और सेवन के बाद आपके सारे नोट विजिट हो जाते हैं देन लीव अदर थ्री ठीक है अदर थ्री जो है आप उनको लीव कर दें उनको रिजेक्ट कर दें उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम उनको इंक्लूड करते हैं एक तो आपके मिनिमल मिनिमल स्पेनिंग ट्री जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो फेल हो जाते हैं फाइन अब ये इसका वो था डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ई क्या प्रेजेंट करता है आप लिस्ट ऑफ नोट बनाते हो और सेकंड ई जो लाग लिया जा रहा है वो किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अब इनको सेपरेटली भी आप डिस्कस कर सकते हो फॉर एग्जांपल के ये जो कास्ट है ये आपके स्टेप वन की है स्टेप वन में हमने दो काम कर लिए थे ठीक हो गया ये स्टेप एंड टू एंड थ्री के लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं अब ये दरमियान में जो अल्फा है ये कांस्टेंट फंक्शन uh, है वैल्यू है जो आप लोग अपेंडिक्स uh, ए में भी व्यू कर सकते हो बहरहाल इस चीज को आप लोग uh, जो है इसकी अगर कांस्टेंट वैल्यू देखना चाहते हो और फिर इसके ऊपर बिगो ऑर्डर अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन डू इट आपके पास ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आपको पता है रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड कर रहे हो तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू का क्या वो पड़ता है फंक्शन इंपैक्ट क्या होता है वो फिर आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो है इग्नोर करनी पड़ती है लेकिन अगर वो वेरिएबल की फॉर्म में है तो फिर आपके ग्रोथ रेट ऑफ़ ग्रोथ में जो है वो इंपैक्ट कर सकती है उसका इफेक्ट हो सकता है रेट ऑफ ग्रोथ में तो ये आपके पास जो एल्फा है ये आपका इनवर्स ऑफ एक्रमेन फंक्शंस का है ठीक है ये आप लोग फिर अपेंडिक्स ए ए में देख सकते हैं आ, आ, आफ कोर, कोर में की जो बुक है उसके अपेंडिक्स ए में जो है आपको इसकी फंक्शन की वैल्यू भी मिल जाएगी ओके अब ये था हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रेम्स और एक आज हमने अभी एंड किया उसका वो है क्रुस्कल एल्गोरिथम इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था ठीक है वर्किंग मैकेनिज्म जो था वो चेंज था जो सेम परपज था वो ये था कि ये आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ पे अप्लाई होते हैं और इनका काम जो है एम एस टी डिजाइन करना है तमाम नोड का जो है विजिट करते हुए और एजेस को फॉलो करते हुए अब एक जो था वो नोड्स के ऊपर डिपेंड करता था कि नोड सेलेक्ट करने के बाद नोड्स को कनेक्ट करते जाओ और नेक्स्ट एजेस सेलेक्ट करते जाओ और जो क्रोस्कल है ये एजेस के ऊपर बेस करता है कि एजेस आप सेलेक्ट करें उनको ऑर्डर करें और फर्दर वर्क करें अब जो डिस्ट्रा एल्गोरिथम है ये बहुत इसके लिए यूज हो सकता है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए लेकिन हाईली रिकमेंडेड जो है वो क्या होगा ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए होगा सिमिलरली इट कैन बी यूज फॉर वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ के लिए भी यूज हो सकता है ठीक है अब इसमें यह है कि डिस्ट्रा एल्गोरिथम को हम ग्रीडी एल्गोरिथम की फैमिली में भी काउंट करते हैं अब ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे आप लोगों ने ये जितने भी पढ़े हैं जैसे प्रेम्स एल्गोरिथम है एम एस टी इसकी हमने पढ़ा क्रुस्कल एल्गोरिथम पढ़ा और अभी जो जिस्टा पढ़ रहे हैं ये सारे जो है आपके पास किसकी हैं ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए जाते हैं तो ये भी एग्जाम्पल बन जाते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम की तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ग्रीडी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं फिर दोबारा इन्हीं तीनों का एक ओवरव्यू होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि ये ये एल्गोरिथम जो है ग्रीडी अप्रोच को क्यों फॉलो कर रहे हैं फाइन ओके नो हाउ जो है एक हम कैसे एक नेटवर्क को या ग्राफ को डिजकेस्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे हम उसको वो करेंगे जैसे अब प्रिम्स का अपना वर्किंग मैकेनिज्म था क्रोस्कल का अपना था जो अभी हमने डिस्कस किया अब इधर जो है आप लोगों ने क्या करना होगा एक एक नोट का आप लोगों ने विजिट करना है मसलन एक नोट ली ठीक हो गया अब आप लोगों ने ये देखना है कि वो आपकी स्टार्ट नोट होगी उस नोट के बाद आपने ये देखना है कि इसके साथ कौन कौन से जो है डायरेक्शन में आ रहे हैं कनेक्टेड नोट हैं ठीक हो गया अब कनेक्टेड नोट मसलन लेट करते मैं अगर ये अगर मैं लेता हूं स्टार्ट में जी तो जी के साथ जो है डायरेक्टेड ग्राफ वो है नोड्स एक डी और जी के साथ जो है एक है एच दो हमारे पास है फिर मैं ये देखूंगा कि इन दोनों का जो पेरेंट नोड होगा वो ये हो जाएगा जी ये हो जाएगा पेरेंट ऑफ डी एंड एच हो जाएगा तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जहां से आपकी एरो निकल रही है एरो आ रही है तो वो पेरेंट काउंट होगा और जहां पे एरो ड्रॉप हो रही है वो आप चाइल्ड नोड होगा उसके लिए फाइन हो गया तो पेरेंट और चाइल्ड को आप कैसे वो करेंगे फिलहाल यहां पे हम पेरेंट का देखेंगे कि जिस नोड के ऊपर आप हैं तो उसका पेरेंट कौन है ठीक है अब ये इस इसका जो मैकेनिज्म ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल, पहले आप लोगों ने कहा कि जी डी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है तो नेक्स्ट विजिट नोट डी भी हो सकती है जी जो है एच के साथ भी हो सकता है तो नेक्स्ट नोट एच भी हो सकती है ठीक है ये अब हम डिसाइड किस चीज पे करेंगे कि नेक्स्ट जो नोड हम लेना चाहें वो किस बेस पे लेंगे वो आप लोग लेंगे मिनिमम जो इधर डिस्टेंस या वैल्यू मेंशन है उसकी बेस पे आप लोगों ने लेना होगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आपको दो तो तीन इसका वो व्यू बता देता हूं दो तीन हम नोट सॉल्व कर लेते हैं बाकी रिमेनिंग जो है रेस्ट ऑफ वो इसी तरह होंगे इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए होंगे अब आप लोगों ने क्या करना होगा सबसे पहले आप लोगों ने एक समझ लें के टू डायमेंशनल एरे के तौर पे एक टेबल बनाना है उस टेबल के पहले कॉलम में जो आप लोग यहां पे नजर भी आ रहा होगा ये ये आपके पास है लिस्ट ऑफ नोड्स हैं आपके नोड्स की लिस्ट है कि कौन कौन से नोड्स आप यूज कर रहे हैं सेकंड जो है आपके पास एक फैक्टर है जो आपके इसको शो करेगा कि ट्री स्टार्ट हो गई है और अभी तक इनको यानी कि हम एक स्टार्ट वैल्यू हम इनको दे रहे हैं कि यहाँ पे एफ हो सकता है आपके पास टी हो सकता है जो भी एक स्टार्ट लेबल दे दोगे और फर्दर उसी ट्री को जो है जो आपकी एम एस टी बनती रहेगी उसको आप नाम देते रहोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग एम एस टी बना रहे हो उसका नाम टी रख रहे हो तो अब ये तमाम पे आपको टी मिलेगा लेकिन वो कनेक्टेड ऐसे होंगे कि वो अपने पेरेंट के साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगे तो अभी फिलहाल ये कनेक्टेड नहीं है तो आप समझ लें कि ये सारे नोड जो हैं विदाउट एनी पार्ट ऑफ एम एस टी पढ़े हुए हैं यानी कि अभी हमने इनको एम एस टी का पार्ट नहीं बनाना अब हमने एम एस टी बनानी है तो हम इन में से किसी एक को स्टार्ट नोड लेते हुए यानी कि हम उसको कंसीडर करेंगे अब कैसे करेंगे अब तो पहले ये काल हम देख लें फिलहाल इनमें से कोई भी हमारे पास जो है कनेक्टेड नहीं है आपके एम एस टी का पार्ट नहीं बना तो ये सारे एफ एफ हमने लिख दिए कोई भी नहीं एफ इसमें यूज़ नेक्स्ट इसकी वो डिस्टेंस है जो इसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ एच है अब ये वैल्यू जो है जैसे अब आप G से देखें अब ये वैल्यू क्या हो सकती है ये वैल्यू जो होती हैं दो आपके पास ऑप्शन है नंबर वन ये आपकी एच वैल्यू हो सकती है एक एच की वैल्यू वन एच वैल्यू ठीक है जैसे आप लोग गए G से D की तरफ तो ये वन एच है आपकी वैल्यू हो गई टू फाइन अगर आप लोग लिखते हो कि जी डी और एफ तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी टू एटीन तो अब आपके पास जो यहां पे वैल्यू मैयर होगी एफ तक के लिए वो हो जाएगी ट्वेंटी एटीन नहीं लेकिन अगर मेरा स्टार्ट नोड होगा डी इफ इफ योर स्टार्ट नोड इज डी देन यू आर गोइंग डी टू एफ तो फिर आप लोग इसकी वैल्यू स्टार्ट जो है वो क्या ले सकते हो 18 ठीक हो गया अब जैसे यहां पे हमने ले लिया 18 अब ये दो डिफरेंट सिनेरियो हैं एक ये जिसको मैंने सर्कल किया फर्स्ट वन और ये आपके पास है दूसरा सिनेरियो अगर आपका स्टार्ट नोड है D और D से आप एफ की तरफ जाते हो तो आप उसके एज के ऊपर जो वैल्यू है वो ले लोगे और अगर आप लोग स्टार्टिंग से मतलब आप जैसे आपका स्टार्टिंग नोड है जी आप जी से डी पे जाते हो डी से एफ पे जाते हो ठीक हो गया जी से डी पे डी से एफ पे तो आप लोग एफ की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी एफ तक पहुंचने की वेट जो होगा वो आपके पास क्या होगा कि पहले आप जी टू डी का वो करेंगे कैलकुलेट ये टू था और टू प्लस एटीन हो जाएगा और एटीन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू प्लस एटीन इक्वल टू ट्वेंटी के हो जाएगा तो अब आपके पास इस पाथ के लिए जो एफ की वैल्यू रिट्रीव हो रही है वो कौन सी होगी वो ट्वेंटी होगी तो ये एज वैल्यू वन के लिए अलहदा केस चलता होता है और अगर मैनी एजेस हैं तो आप लोग उनका जो एड uh, एडिशन add, है उनके डिस्टेंस को ऐड करके आप जो डेस्टिनेशन नोड होगी आप उसको वो वैल्यू जो है असाइन कर दोगे अब यहाँ पे डेस्टिनेशन नोड कौन सी थी पहले इसमें पहले में आपके पास एफ थी और दूसरे में भी आपके पास एफ है अब ये एफ अपने डी से ले ले वैल्यू एटीन और ये जो वैल्यू रह है ट्वेंटी ये जी से जो उस तक पाथ पहुंच रहा है ये वो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा फाइन तो ये एक मैकेनिज्म था नेक्स्ट इसके बाद है पेरेंट अब जो पेरेंट है ये आप जब स्टार्ट लोगे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट का कोई पेरेंट नहीं होता अगर मैं जी लेता हूं यहाँ पे तो जी का मैं इधर कुछ भी नहीं लिखूंगा ये यही रहेगा ठीक हो गया क्योंकि ये इसका फिलहाल कोई इसमें पेरेंट हाँ इस पर कोई लिंक आ गया तो फिर जहां से लिंक आ रहा होगा वो इसका पेरेंट बन जाएगा तो ये सिनेरियो फिर हमने लेके चलना है आगे लेकिन अगर इस पे अगर हमने एक बार स्टार्ट किया ना कि दिस वन स्टार्ट नो तो इसके ऊपर अगर कोई इनपुट आ गया देन क्लोज पाथ विल बी अकर फिर क्लोज पाथ के चांस जो है साइकिल के चांस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं ठीक हो गया अब अगर हम जी जी से स्टार्ट करते हैं तो जी के बाद दो चॉइसेस हैं ठीक है कौन कौन सी चॉइस आ रही है जी के पास आप इसी टेबल में देखें जी या तो डी की तरफ जा सकता है या आपके पास एच की तरफ जा सकता है अब अगर वो डी की तरफ जाता है तो उसकी वैल्यू है टू यानी इस जगह पे आ जाएगा टू और एच की तरफ जाता है तो यहां पे उसकी वैल्यू क्या कंसीडर की जा रही है थ्री तो अब इसमें अभी तक बाकी नोड विजिट नहीं हुए ना उनके डिस्टेंस हैं, ना वो एजेस इंक्लूड हुई हैं। तो फिलहाल हमारे पास है टू एंड थ्री बाकी सारे जीरो से आप इनिशियलाइज कर दोगे सारे जीरो हैं हम उनको यूज नहीं कर रहे ठीक है तो टू एंड थ्री तो टू एंड थ्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है टू तो फिर आप लोग आ जाओगे डी पे डी आपका नेक्स्ट होगा तो आप इनको लिंक कर दोगे अब जब हम इसको लिंक करेंगे तो D के साथ भी तो कनेक्टेड नोड कोई होंगे ना जो वहां से डायरेक्ट हो रहे होंगे D टू मतलब अब D यहां से जा रहा है D टू F एंड D टू E जा रहे है अब अगर आप देखें स्टार्ट नोड हमने G लिया और अब हम D के थ्रू यहां पे पहुंच गए तो F का जो पेरेंट होगा F का पेरेंट वो हो जाएगा D और E का पेरेंट भी हो जाएगा D और जो D होगा इसका पेरेंट G और जो H होगा इसका पेरेंट हो जाएगा G फाइन और इसके अलावा अब आप लोगों के पास जो डिस्टेंस होगा जो टोटल डिस्टेंस बनेगा कि आप लोगों ने जी से स्टार्ट किया डी पे आए डी से ई e पे गए तो ट्वेंटी फाइव प्लस टू इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो ई e तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और एफ तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना होगा टू प्लस एट ट्वेंटी तो सेम वे से आप लोगों ने क्या करना होगा इसी टेबल को फिल करना है समझ आ रही है यानी कि हम इसी तरह एक स्टार्ट नोड लेंगे उसके डायरेक्टेड नोड देखेंगे कि कौन कौन से हैं उनमें जो डिस्टेंस है उसमें से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेंगे और फिर हम उस नोड को सॉल्व करेंगे टेक लेंगे उनको कनेक्ट कर देंगे स्टार्ट नोड को और उसी को जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस की बेस पे फाइन और जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो हम दोनों जो जो भी नोड उसका होगा वो हम लिख देंगे कि ये इनके पेरेंट नोड था जी अब उसी नोड को जो मिनिमम डिस्टेंस की बेस पे ले रहे हैं फिर फर्दर हम उसको आगे एक्सपेंड करेंगे कि वो किस किस नोड के साथ कनेक्ट हो रहा था जैसे अब जी से हमने डी को देखा डी आगे कनेक्ट हो रहा था एफ के साथ और ई के साथ फाइन तो अब ई की तरफ भी जा सकते थे एफ की तरफ हमने टोटल डिस्टेंस को देखना है जो जी से डी डी से एफ की तरफ आया है और जब हमने ये एलोकेट कर दिया और आपको यहाँ पे टेबल पे व्यू भी हो रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखें आप लोग के ई तक डिस्टेंस जो है 27 और दूसरा जो बनता है एफ का ये तो मैंने 20 इधर लिखा है 20 जो है एफ का बनता है ठीक है एफ तक तो ये 20 इसका नहीं है इसका तो स्टार्ट है ये तो स्टार्ट नोड है ठीक हो गया तो एफ आप लोगों का हो गया 20 और ये आपके पास हो गया 27 और G से D तक आने में टू और G से थ्री पे आने पे ये और इसी डिस्टेंस में से आपने मिनिमम वैल्यू को देखते हुए अपने नेटवर्क को जो है यानी इस मॉडल को अकॉर्डिंग टू डिस्ट्राइलोरिथम जो है प्रोसीड करना होगा और प्रोसेस बड़ा सिंपल है इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको दो तीन इसके स्लाइड जो है ओवरव्यू करा देता हूँ सारा प्रोसेस आप देख लें स्टार्ट हो गया जी से और हमें ये आपके ट्री एक बन गया कि मिनिमम ट्री बन रहा है ठीक हो गया टी या टी दे दे दें या जो भी ले लें जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में नहीं बताया था कि ये दो अगर एक एहदा सेट में पड़ा हो और ये दोनों अलायदा सेट में पड़े हो S2 में तो आप इसको T1 कह सकते हैं इसको T2 कह सकते हैं और अगर दोनों सारे एक ही इसमें बन रहे हैं ए बी और ये इस तरह तो फिर आप इसका नाम T भी यूज कर सकते हैं ठीक हो गया अब इसके बाद सबसे पहला काम स्टार्ट विद जी जी से स्टार्ट हो गया भाई ए यहां पे हमने इसको जी से स्टार्ट कर दिया ओके नेक्स्ट अपडेट अनसेलेक्टेड नोड्स अपडेट ये स्टेप याद रखने है आप लोगों ने अपडेट अनसेलेक्टेड नोट अब इसके साथ साथ कौन कौन से लिंक हैं वही अपडेट होंगे तो अपडेट कौन से होंगे ओनली डी एंड एच डी एंड एच ठीक है ओनली डी एंड एच विल भी अपडेटेड सिर्फ वही अपडेट होंगे बाकी नहीं होंगे ठीक हो गया अब देखें ये डी अपडेट हो गया ये स्टार्ट था और एच अपडेट हो गया ठीक हो गया ये अपडेट ये भी अपडेट और ये स्टार्ट हो गया ये हमने अब हमने ये किस पेज पे किया स्टार्ट जी को लेते हुए हमने इनको अपडेट कर दिया नेक्स्ट में क्या करेंगे मिनिमम डिस्टेंस और जब हमने अपडेट किया तो हमने देखा कि इन दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस किसका बन रहा है टू का या थ्री का टू मिनिमम है या थ्री हम कहते हैं कि टू मिनिमम है तो इसका मतलब हुआ कि जी जो है कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ डी के साथ अब ये किस बेस पे डिसीजन हुआ है एज के डिस्टेंस की बेस पे एज की वैल्यू की बेस पे डिसाइड हुआ है अब चूंकि हम जी जी टू डी गए हैं डायरेक्ट एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन है तो ये सिंगल एज की वैल्यू आप ले दोगे और अगर मैनी एज बनेंगे तो आप उन एज वैल्यू को जो है एड कर दोगे ठीक हो गया ओके अब उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने जब डी को कनेक्ट कर लिया तो फिर आप लोगों ने अपडेट करने अनसेलेक्टेड अब जी के तो अनसेलेक्टेड हो चुके हैं एच आया हुआ है ये अपडेट हो चुका था ये किसकी वजह से अपडेट हुआ था जी की वजह से अब ये दोनों जो अपडेट हुए हैं ये अपडेट हुए हैं ड्यू टू किसके डी की वजह से ठीक हो गया और अगर आप इनके डिस्टेंस देखें ये 27 और 20 है अगर अगर ये होता कि डी से आपके पास ये देखें ये एफ है ये ई e है अगर डी से आप डायरेक्ट एफ को काउंट करते तो ये बनता था 18। लेकिन आप लोगों ने काउंट करना है जी टू डी डी टू एफ और ये आपके पास 2 प्लस एटीन ये हो जाएगा 20। और इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट डी टू ई वो करना होता ब्रांच क्या तो वो ट्वेंटी फाइव होता लेकिन आप लोगों ने जी टू डी डी टू ई e आना है तो ये टू प्लस ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन फाइन तो अब आप लोग देखें ये ट्वेंटी सेवन यहाँ पे और ये जो ट्वेंटी था ये यह यहाँ पे आ जाएगा तो अब यही मैकेनिज्म आप पूरे नेटवर्क के लिए जो है अप्लाई कर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू और इन चारों में देखें आप लोग मिनिमम वैल्यू ये तो हो चुका अब आपके पास जो है एच को आप लोगों ने लेने हैं अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा अपडेट अनसेलेक्टेड नोट ये देख लें आप लोग अब इसके साथ जो था ए और बी अटैच था ठीक है ये ए हो गया ये बी हो गया और ये आपके पास था ई e, ये आपके पास था एफ फाइन तो अब आप लोग फिर इसके देखो ये सेवन बन रहा है डिस्टेंस अब सेवन क्यू बन रहा है अगर ये होता एच से ए की तरफ तो ये तो बनता चार फोर अब ये बन रहा है जी से एच एच से देन इट विल बी इक्वल थ्री टू फोर इट विल बी इक्वल टू सेवन अब इसी तरह एच टू बी होता डायरेक्टली होता है एच टू बी तो ये हो जाता आपके पास क्या नाइन और अब आप लोगों ने लेने हैं जी से एच एच टू बी देन इट विल बी ओक इक्वल टू थ्री प्लस नाइन इट जो सेवन है ये यहाँ पे आ गया फाइन तो so, अब इस मेथड से अब अपडेट हो गया फिर क्या करोगे सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू फिर उसके बाद अपडेट अनसेलेक्टेड लिस्ट फिर सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू और ये प्रोसेस आप लोग कंटिन्यू करोगे ये दो तीन स्लाइड्स के अंदर तो फाइनली आप लोगों के पास ये जो प्रोसेस है ये डन कंप्लीट हो जाएगा और तमाम नोड विजिट हो गए कहीं पे आपको कोई क्लोज पात नहीं मिलेगा ठीक हो गया अब इसमें क्या है देखें आप लोग ये डन हो गया और आप लोग इसका जो है आ, कल आ, फाइनल इसको जो है कंक्लूड कर दोगे जैसे यहां पर किया गया अब आप लोगों ने देखें कितना डिस्टेंस फाइंड हुआ इनका देख लें आप लोग ये सारा डिस्टेंस था इनको आप ऐड कर दें तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा ठीक हो गया तो अब इसमें और जो हमने इससे पहले पढ़ा था, में, के है। वो ग्राफ के लिए था और हम एच की बेस पे बस डिफरेंट सेट बनाते हुए उनको कंबाइन करते जा रहे थे ठीक है और इसमें हमने प्रोसेस डिफरेंट रखा डायरेक्टेड ग्राफ लिया और फिर हमने एक टेबल फॉर्म में इसको सॉल्व किया कि स्टार्ट नोट ले लो उसके साथ फिर कनेक्टेड नोट ले लो फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कनेक्टेड नोड जो है वो आगे आप लोगों ने एक्सेस करना है वो आप डिस्टेंस की बेस पे करोगे और ये प्रोसेस हमने जो है कंटिन्यू रखा फाइन ओके नो नो व्हाट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ कंप्लेक्सिटी यानी कि रन टाइम कंप्लेक्सिटी इसकी क्या होगी ये आप लोग देखें फाइन मिनिमम टेक्स इतना टाइम ठीक हो गया वो जो मिनिमम डिस्टेंस हम हर नोट के ऊपर डिसाइड करते हैं वो और आउटर लूप रेट इतने टाइम आउटर लूप कौन सी होगी मसला आप लोगों ने जितने भी अनसेलेक्टेड आप लोग वो नोट वो नहीं कहते हैं अनसेलेक्टेड के कौन कौन से इसके अनसेलेक्टेड वो आ रहे हैं तो उनके लिए आप लोगों को आउटर एक आप लोगों ने आउटर लूप चलानी है जो आपके पास होगी कितने वर्ल्ट हैं ठीक है जो टेबल में आप लोगों को नजर आ रहे थे ये आउटर लूप हो गई और हर एक के साथ जो इनर लूप चलेगी वो जो आप लोग एक्सपेंड नहीं कर रहे थे कि कौन सा शार्टेड डिस्टेंस के साथ अटैच है तो नेक्स्ट उसको एक्सपेंड होना चाहिए फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लूप में फिर आप दूसरे को देख लेते थे ठीक है तो ओवरऑल टाइम आप लोगों के पास इसका जो होगा वो वी स्क्वायर होगा ये जितने वर्डिस होंगे और ऑप्टिमल ऑप्टिकमल डेंस ग्राफ जो है यही रहेगा और जो स्पार्स ग्राफ होगा सिंपल इसमें जिसके ज्यादा कनेक्टेड ग्राफ ना हो यानी कि लेस कनेक्टेड हो तो फिर उसके बाद क्या उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो जितने वर्ड होंगे वही उसकी कम्प्लेक्सिटी काउंट हो जाएगी ओके आर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी जो है जो हमने स्पार्स ग्राफ के लिए की थी वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोगों को नजर आ रही है ये स्पार्स ग्राफ के लिए और डेंस के लिए क्या थी अगर आपका ग्राफ डेंस हो तो उसके लिए ओ ऑफ वी स्केयर हो जाती थी ठीक है और ये फाइनल आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है कैलकुलेट की गई है ये आपके पास एजेस लॉग वी आपके पास जो है वो काउंट हो जाएगा ये एवरेज केस में यानी कि अगर आप वर्स केस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और एवरेज अगर लेना चाहें तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं बट इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क मॉडल के वो कितना कनेक्टेड है यानी कि फुली कनेक्टेड है यानी कि तमाम स्ट्रांगली कनेक्टेड जिसे आप कह सकते हैं वो है या उसमें कुछ एजेस uh, जो है वो मिसिंग है ये फिर डिपेंड करता है उस चीज पे ओके दिस वाज द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर बट बिफोर एंडिंग इट आई आई विल गिव यू द समरी ऑफ आवर टुडे लेक्चर आज के लेक्चर में हमने क्रुस्कल और डिजकिस्ट्रा एल्गोरिथम को डिस्कस किया क्रुस्कल जो है बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव वही हैं जो आपके पास प्रिम्स एल्गोरिथम के थे दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव में क्या चीज आ जाती है कि दोनों ने क्या करना है एक गिवन नेटवर्क या ग्राफ में से एक एम को जो है वो डिजाइन करने है क्रिएट करना है अब दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो चेंज है ठीक है आप जब भी आप प्रिम और आप लोग क्रस्कल एल्गोरिथम पे वर्क करें तो पहले आप लोगों को एम एस टी के ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि उसके क्या पर्पस हैं एम एस टी के यानी मिनिमल स्पेनिंग ट्री के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं आपको एक सा, सा दे रहा हूँ कि एम एस टी जो है ये आपके पास किसी यानी कि नेटवर्क से आप लोग ड्राइव करते हो एक टेक्निक है कि आप नेटवर्क के तमाम नोट का भी विज़िट कर लेते हो और उन एजेस के थ्रू करते हो जिनकी वैल्यू स्मॉल होती है और आप स्मॉल वैल्यू जो है इसका सोल्यूशन के तौर पर ले सकते हो दूसरा उसका यह है कि आपने तमाम नोट का विजिट लाजमी करना है थर्ड उस एज को इग्नोर करना है जो साइकिल जनरेट कर रहा हो साइकिल बना रहा हो ठीक है और जो अगर एक्स्ट्रा एजेस हैं उसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है जो अगर आपको यानी कि यूजलेस लगे तो वो आप लोग इग्नोर कर सकते हो तो प्रिम्स के साथ इसके रिलेशन तो वही है कि जैसे आप लोग एम बनाना और तमाम नोट का विजिट करना और ये चीज हो गई ठीक है लेकिन इसके अपने फीचर्स क्या हैं इसका अपना वर्क, वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो प्रीम्स से डिफरेंट है इसमें क्या होता है आप तमाम एजेस की लिस्ट ले लेते हो और उनकी वैल्यूज की भी लिस्ट ले लेते हो फिर उनको वैल्यूज के मुताबिक आप ऑर्डर में ले आते हो फाइन फिर हमने एक एक एज को लेके हमने नोट्स को कनेक्ट करते जाना है अब जितने भी एजेस आएंगे अब जरूरी नहीं है कि आपके तमाम एजेस जो हों वो आप लोगों को लाजमी तौर पे लेना पड़े आप लोग उनमें से जो एक एक एज लेकर आप देखते जाओ कि क्या आप लोगों के तमाम नोट जो हैं वो विजिट हो चुके हैं अगर आपके तमाम नोट विजिट हो चुके हैं देन इट मीनस कि आपका एम एस टी जो है वो डिजाइन हो चुका है और रिमेनिंग जो आपके एजेस हैं आप उनको लीव कर सकते हो और अगर आपकी कोई एज जो है वो साइकिल जनरेट कर रही है तो आप उस जो को जो है रिजेक्ट कर सकते हो उसके बाद फिर हमने पढ़ा डिजिकस्ट्रा एल्गोरिथम डिजिकस्ट्रा एल्गोरिथम का पर्पस भी वही है जो आप लोगों के पास प्रिम्स और क्रोस्कल एल्गोरिथम का है लेकिन इसमें यह है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ पे अप्लाई होगा और इसका अपना वर्किंग मैकेनिज्म है इसका मैकेनिज्म यही है कि आप लोग एक टेबल बना लें फोर uh, कॉलम का पहले कालम में आप तमाम नोट्स की लिस्ट दे दें सेकेंड कालम में आप दे दें दे उन तमाम सेट्स के नेम या ट्री के नेम जो आप लोग जनरेट कर रहे हो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि ए नोड अलहदा सेलेक्ट हुई हुई है और बाकी दो नोड आपस में कनेक्टेड हैं तो दो सेट बन रहे हैं तो ये एक चीज़ है तो इसमें अमूमन एक ही वो रहेगा ट्री तो आप लोग टी टी भी यूज कर सकते हैं या टी वन टी टू भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जो था वो आपके पास था डिस्टेंस के फॉर एग्जांपल आप जी नोट जी से नोट डी तक गए तो कितना डिस्टेंस आपको वो करना पड़ेगा और फोर्थ कॉलम जो था वो पेरेंट को प्रेजेंट करता था अब प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस ये होगा कि आपने पहले स्टेप में एक नोट सेलेक्ट करनी है एज ए स्टार्ट नोट देन आप लोगों ने उसको अपडेट लिस्ट करना है अनसेलेक्टेड और जब अपडेट करो तो उसका मतलब यह है कि आप उसके साथ कनेक्टेड जो नोड्स हैं उनकी लिस्ट वो लिख दो उनको हाईलाइट कर दो कि ये जी के साथ या स्टार्ट नोड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फिर आप लोगों ने उनमें से मिनिमम को सिलेक्ट करना है मिनिमम सेलेक्ट करने के बाद फिर जब आप कनेक्शन बन जाए दो नोड के दरमियान फिर आपने लिस्ट को अपडेट करना है ठीक हो गया फिर डिस्टेंस की बेस पे फिर मिनिमम सेलेक्ट करना है फिर लिस्ट को अपडेट करना है और ये प्रोसेस जो है आप एटोरेटिवली परफॉर्म करोगे एंड फाइनली आपको टेबल मिल जाएगा तो जितने डिस्टेंस आप लोगों के आ चुके होंगे वही आप लोगों ने कैलकुलेट करके जो है सम इंक वो कर लेने हैं और फिर इनकी कंप्लेक्सिटी थी कि डेंस ग्राफ की क्या कंप्लेक्सिटी होगी डिजिटल स्टाइल की और अगर स्पार्स आपके पास ग्राफ है स्पार्स ग्राफ तो उस केस में आपके पास इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टूडे लेक्चर एंड इन शाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रीडी एलगोरेम्स जैसे आज के लेक्चर में भी मैंने बताया कि ये जो हमारे पास एम एस टी या आप लोगों के पास जो प्रेम्स क्रोस्कल और डिजकेस्ट्रा एलगोरिथम जो हैं ये भी बेसिकली ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं और अब ये कैसे करते हैं क्या ग्रीडी अप्रोच होती क्या है ठीक है इसके कौन से फैक्टर उसके बिहाइंड काम कर रहे होते हैं वो इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट इनशाला सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज